सेतु के दमदार ट्रेलर को देखने के बाद लोग अक्षय कुमार के मुरीद ही हो गए हैं। धांसु थीम के साथ बॉक्स ऑफिस पर राज करने के लिए अक्षय कुमार एक बार फिर से अपने पुराने अवतार में लौट चुके हैं। और तो और, फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा राम सेतु को बचाने जैकलिन, नुसरत और सत्यदेव भी निकल पड़े हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस राम सेतु को बचाने के लिए आखिर फिल्म के इन खिलाड़ियों ने करोड़ों की फीस चार्ज की है? जी हाँ, और आज की इस वीडियो में हम आपको इन स्टार्स की फीस चार्जेस के बारे में आपको बताने वाले हैं। सुनिए फिर गौर से। अक्षय कुमार की फिल्मों के लिए उनके फैंस काफी एक्साइटेड रहते हैं। फिलहाल अक्षय जल्द ही राम सेतु में मेन लीड में नजर आएंगे। फिल्म में अक्षय एक आर्कोलॉजिस्ट का किरदार निभा रहे हैं जो राम सेतु की खोज में निकलता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने 50 करोड़ की फीस चार्ज की है। जैकलिन फर्नांडिस। राम सेतु की खोज में अक्षय कुमार के संग जैकलिन भी एडवेंचर पर जाएंगी और राम सेतु को बचाने की पूरी कोशिश करेंगी। राम सेतु पर मंडरा रहे खतरों को दूर करने के लिए जैकलिन ने 4 करोड़ की फीस ली है। नुसरत भरूचा की फीस अक्षय और जैकलिन से भी कम बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि नुसरत भरूचा ने राम सेतु के लिए 3 करोड़ रुपए की फीस चार्ज की है। सत्यदेव कांचलाना। फिल्म में अक्षय, जैकलिन और नुसरत के साथ ही साथ साउथ एक्टर सत्यदेव भी अहम किरदार में नजर आएंगे। फिल्म के लिए सत्यदेव को 1 करोड़ रुपए की फीस मिली है। जेनिफर पिकिनाटो। सोशल मीडिया पर अपने ग्लैमर अवतार से आग लगाने वाली जेनिफर पिकिनाटो भी फिल्म में हैं और फिल्म के लिए जेनिफर पिकिनाटो को 75 लाख रुपए की फीस दी गई है। नासर। फिल्म में जाने माने एक्टर नासर भी अहम किरदार में नजर आएंगे। नासर को फिल्म राम सेतु के लिए 45 लाख रुपए फीस मिली है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।